अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं सहरिश आसिफ। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। कोयटा में शाहजैन बुगटी ने गिरफ्तारी दे दी, उनका कहना है कि मुकदमा झूठा है। लियारी में बख्तरबंद गाड़ी पर दस्ती बम हमला, सर्च ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग जारी। कराची में कलगम तंजीम के दो कारकुनों को अगवा बराए तावान के जुर्म में उम्र कैद। पंजाब हुकूमत की डीपीओ सरगोधा को चार्ज न छोड़ने की हिदायत। असलम मिधियाना की गिरफ्तारी पर डॉक्टर रिजवान का तबादला किया गया था। चौधरी शुजात का कहना है कि वजीर आजम अपील खारिज होने के बाद सजा याफ्ता होंगे, मंजूर वट्टू भी नवाज शरीफ पर बरस पड़े। अमेरिका का कहना है कि सजा के बावजूद गिलानी वजीर आजम है, उनके साथ काम जारी रखेंगे। शेखुपुरा में तालिबा से ज्यादती का एक मुलजिम गिरफ्तार, आईजी पंजाब की मजलूम खानदान को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। और कुआलालंपुर में हजारों अफराद का हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा, पुलिस ने धुलाई कर दी।